हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं CISF फायरमैन या फिर CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ASI का जो है वो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। देखो CISF का जॉब जो है वो सेंट्रल का है, तो इसलिए यहाँ पर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है। स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य नहीं होगा, अगर स्टेट वाला दिखाओगे वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है, भगा देगा वहाँ से, ठीक है ना। तो ये गलती मत करना, स्टेट वाला अगर किसी के पास में सोच रहे होगे कि स्टेट वाला से काम चल जाएगा, तो काम नहीं चलने वाला स्टेट वाला से, सेंट्रल सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा कैसे, क्या क्या प्रोसेस होगा, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, और फॉर्मेट जो होगा वो कैसा चाहिए, OBC के लिए कैसा फॉर्मेट है, SC के लिए, ST के लिए, EWS के लिए, और ये फॉर्मेट मिलेगा कहाँ पे, ठीक है, ये सारा वीडियो में हम बता दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, सब चीज़ जो है वो A to Z जानकारी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं एक सर्विसमैन का आप सभी के सामने यहाँ पे फॉर्मेट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्विसमैन का जो है वो एनेक्जर करने का मतलब वही फॉर्मेट है। यहाँ पे आप अपना जो है वो फिल करेंगे, आप अपना नाम फिल कीजिएगा, यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है ना उसका रोल नंबर यहाँ पे करना है, ठीक है, एग्जामिनेशन यहाँ पे ईयर ये सब फिल कर देना है, ठीक है। ये सब फिल करने के बाद जो चीज़ नहीं समझ में आएगा वो आपको वहाँ पे ऑफिस में जो भी बैठे रहेंगे कर्मचारी उनसे जो है वो कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन ये एनेक्जर बनवाने से पहले, ये फॉर्मेट बनवाने से पहले, ये फॉर्मेट बनेगा कहाँ पर, इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने CO के यहाँ से, ठीक है, CO के यहाँ से आप अपना एक कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, ठीक है, CO के यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए जो कि ऑनलाइन बनता है, ठीक है, वो हो जाएगा स्टेट का। उसी कास्ट सर्टिफिकेट के द्वारा ये जो है वो इसमें साइन करेगा कौन, पहले क्या करना है, पहला ऑप्शन में प्रोसेस क्या है, ठीक है, प्रोसेस पहले देख लो। पहला क्या करना है आपको, पहले एक कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है वो भी ऑनलाइन, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है किससे, CO लेवल पर, ठीक है, यानी कि अंचल स्तर पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड ऑप्शन में आपको क्या जाना है, ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना है ब्लॉक में, आप अपने ब्लॉक में जाइएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लेके, आपको आधार कार्ड होना चाहिए था, ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए था। आप अगर SC से हैं तो SC का फॉर्मेट, ST का है तो ST का फॉर्मेट, और OBC से हैं तो OBC का फॉर्मेट, और वो सब फॉर्मेट कहाँ मिलेगा अभी वीडियो का लास्ट में बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड ले लेना है, आप अपने दो फोटो ले लीजिएगा, ठीक है, दो फोटो के साथ आप जो ये वाला कास्ट सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन बनवाए हैं ये वाला ले लीजिएगा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और इसके बाद में प्रोस्पेक्टस, कहने का मतलब जो CISF का जो नोटिफिकेशन में जो आता है, ठीक है, वो वाला ले लीजिएगा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं है फिर भी चलेगा, ठीक है। तो आधार कार्ड, फोटो और ये कास्ट वाला जो सर्टिफिकेट है वो जो है वो आपको लेकर जाना है, कहाँ पर जाना है, ये ब्लॉक में आपको जाना है, ठीक है। ब्लॉक में जाइएगा तो CO साहब जो है वो एनेक्जर पे ये वाला फॉर्मेट जो है ये इस वाले फॉर्मेट पे आपको क्या कर देंगे, वो साइन कर देंगे। उसके बाद में CO ब्लॉक से करवाने के बाद में आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, ब्लॉक से करवाने के बाद आपको जाना पड़ेगा जिला में, ठीक है, जिला में जाना पड़ेगा, SDO के पास या SDM के पास या फिर DM से भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। जब जिला से आपका जो साइन हो जाएगा तब जाके ये जो है वो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का जो इसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक सर्विसमैन के लिए था। सेम प्रोसेस जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं SC ST, ठीक है, फॉर्मेट फॉर SC ST कास्ट सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे जो है वो फॉर्मेट है यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो है आप अपना नाम वगैरह, जिसको भी अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पर जो है वो फॉलो करके मैसेज करना है, इंस्टाग्राम पे हम आपको लोग जवाब दे देंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट है SC ST कैटेगरी के लिए, ये जो फॉर्मेट है वो आपको दो पेज में मिलेगा, ठीक है, ये फॉर्मेट जो है वो दो पेज में मिलेगा, कहाँ मिलेगा ध्यान से सुनना बताएंगे, ठीक है, पहले ये बात सुन लो, ये फॉर्मेट जो है वो दो पेज में मिलेगा, ठीक है, ये पहला पेज हो गया आपका, ये पहला पेज और ये हो गया दूसरा पेज, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दो पेज निकलवाना है, एक हो गया ये सामने, इसके जस्ट पीछे वाला जो है वो ये वाला प्रिंट करवा लेना, यानी एक ही पेज में दोनों भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्रोसेस इसमें भी है, क्या प्रोसेस है, आपको सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑनलाइन का, ठीक है, पहला कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑनलाइन वाला, दूसरा में आधार कार्ड, फोटो और ये वाला जो फॉर्मेट है, ये तीनों लेकर जाना है, दो कॉपी सबका लेकर जाना है, ठीक है, एक आपको वहीं पर ऑफिस में रख देगा या एक जो है वो फोटो कॉपी आपको देगा, तो ये सबका दो दो फोटो कॉपी जो है वो लेकर जाना है, आधार कार्ड 2 गो, फोटो भी 2 गो, और ये वाला जो फॉर्मेट है, ठीक है, SC ST का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट भी आपको 2 गो लेकर जाना है, कहाँ पे, ब्लॉक में जाना है, ब्लॉक से साइन हो जाएगा, इसके बाद में आपको जाना है SDM के पास में या फिर DM के पास में, ठीक है, SDM या फिर DM से जाकर साइन करवा लेना है, ये आपका हो गया सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, ठीक है।
यही आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। तो ये दोनों जो है वो आप चाहे तो एक ही पेज में करवा सकते हैं। ये हो गया एस सी एस टी के लिए, ठीक है ना, ये हो गया एस सी एस टी के लिए। और ये है ओ बी सी के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं ओ बी सी अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए। ओ बी सी के लिए ये एक ही पेज है, ठीक है, वो भी जो है वो सेम प्रोसेस से ये भी गुजरेगा। ओ बी सी आप अपना जो है वो सेंट्रल पहले कास्ट सर्टिफिकेट अपना सी ओ लेवल से बनवा लो, या फिर ये आपका जो है वो डायरेक्टली आपको वहाँ पर भी बन जाएगा, कहाँ ब्लॉक में भी बन जाएगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस सबके लिए है। यहाँ पर ई डब्ल्यू एस के लिए इकोनॉमी वीकर सेक्शंस यहाँ पे लिखा हुआ है, इकोनॉमी वीकर सेक्शंस, ठीक है, ये सबके लिए वैलिड फॉर द ईयर। ये सब जो है वो जो चीज़ें नहीं समझ में आएगा वहाँ पे ऑफिस में आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। यही होता है आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट, देख रहे हैं ये सब फॉर्मेट। और ये सब फॉर्मेट मिलेगा कहाँ पे, ये सब फॉर्मेट आपको कहाँ पे मिलेगा, देखो टेलीग्राम का लिंक हम दे देंगे, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर जो है वो टेलीग्राम ज्वाइन करना। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद में आपको जो है वो ये सारा डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो सबको अच्छा लगा, पसंद आया होगा। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो कॉमेंट्स में पूछ लेना, कॉमेंट्स में भी आपका जो है जवाब दे देंगे। अगर जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो एसएससी जीडी का जो है वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और इसको जो है वो डाउनलोड करना, सबसे लास्ट वाला पेज में मिल जाएगा, ठीक है। एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है पिछले साल का उसको डाउनलोड करना, ये सबसे लास्ट वाली पेज में आपको मिल जाएगा। अगर वहाँ भी एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन भी नहीं मिल रहा है तो अभी हम वीडियो में दिखाएं ना, सेम ऐसा ही जो है वो गूगल पर सर्च करना, गूगल पर सर्च करना, जैसे एक सर्विस मैन का जो है वो फॉर्मेट, ठीक है, जिनको चाहिए एस सी एस टी का तो एस सी एस टी कार्ड का कास्ट का फॉर्मेट, ठीक है, जिनको ओ बी सी चाहिए तो ओ बी सी कास्ट का फॉर्मेट जो है वो गूगल पे सर्च करना, आपको गूगल पे भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कहीं से भी आपको जुगाड़ कर लेना है। और इस तरह से ये प्रोसेस हम आपको बता दिए, ये प्रोसेस जाकर आप लोग करवा सकते हैं, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट से पूछ सकते हैं। किन्हीं को अगर और भी ज़्यादा जानकारी लेना है तो टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, सबका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाके कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करते हैं वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो बाय, आज के लिए इतना ही, जय।